नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं रश्मि। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज महागठबंधन अपने लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में आज महागठबंधन अपने 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सभी दल सीटों के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। कांग्रेस ने बिहार में 11 सीटों की मांग की थी, लेकिन 9 सीट पर बात बन गई है। किसी भी दल में कोई मतभेद नहीं है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। महागठबंधन जो है इंटैक्ट है, मजबूत है और मजबूती के साथ करेंगे। सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 सीटों में से 20 सीट पर आरजेडी और 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा बाकी 11 सीटों में से आरएलएसपी को 4, विकासशील इंसान पार्टी को 3, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 और शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के हिस्से में 1 सीट आई है। बाकी बची 1 सीट CPI ML को दी जा सकती है। चलिए रुक कर लेते हैं पटना का। हमारे पॉलिटिकल एडिटर बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र। शैलेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने कहा आज शाम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मौर्य होटल में और उसके बाद सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए रश्मि, जो ऐलान होगा उसमें हो सकता है कि फेज वाइज ऐलान हो, क्योंकि अभी भी 2 सीटों को लेकर एक जिच है, एक पेच है, वो बरकरार है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि बेतिया सीट वो है और एक सीट है दरभंगा। इन दोनों सीटों पर कौन लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी, इसी को लेकर एक जो कहा कि रस्साकसी वो चल रही है। ये बात राजद के नेता भी मान रहे हैं, ये बात कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं और उनका लगातार ये कहना है कि हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। हो सकता अंततः जब हम सामने आएंगे, जब हम ऐलान करेंगे तब सब चीजें तय हो जाएगी। लेकिन और जो सीटें हैं उन सीटों पर बात बन गई है, चाहे वो पूर्णिया सीट हो, चाहे वो मुंगेर की सीट हो, चाहे वो कटिहार की सीट हो, या और कई कई सीटें हैं जो 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उसमें से ज्यादातर सीटें चिन्हित हो चुकी हैं और किशनगंज की सीट है। इन सब सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसी तरह से जो राजद का चुनाव लड़ना है वो भी सीटें तय है, जो रालोसपा को लड़ना है वो भी सीटें तय है, हमको जो कौन सी सीटें लड़नी वो भी तय है। सीटें तय है शैलेंद्र, ये महीनों से कहा जा रहा है, लेकिन ऐलान होते होते देखिए आज की तारीख पहुंच गई है। बने रहिए हमारे साथ शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन से जी मीडिया ने खास बातचीत की। मदन मोहन झा ने कहा है कि आज महागठबंधन में सीटों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को राहुल गांधी की रैली है और फिलहाल कांग्रेस उस रैली को कामयाब बनाने में जुटी हुई है। बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का 23 तारीख को होने जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग क्या रहे हैं, क्या कार्यक्रम है सर? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी 23 मार्च को एक रैली को संबोधित करेंगे पूर्णिया में। वहाँ हम सारे लोग जाएंगे, मेरे प्रभारी गोहिल साहब भी आ रहे हैं, राठौर जी भी आ रहे हैं। अच्छा सर, क्या राहुल गांधी आएंगे तो मंच पर क्या महागठबंधन के नेताओं को भी आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? नहीं, इतना जल्दी में हम लोग को लगता है जो अभी तक उन लोग को नहीं दिया गया। यहाँ तो फिर कल भी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर यहाँ के से तुरंत सबको जाना संभव नहीं लग रहा है। जाएंगे तो पूरी तैयारी से जाएंगे। अब जब भी हम लोग का रैली होगा तो केवल मंच पर नहीं साझेदारी होगी, अब जनता की भी साझेदारी होगी। तो क्या सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है? मैं समझता हूँ जो बन गई है वो आपको कल, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है दिल्ली से जरूर जानकारी है। यहाँ पर कितने बजे होगा, क्या होगा, वो आपको मैंने लगता है कल खबर होगी आपको। लेकिन आपस में जो मैंने थी ये है, बंटवारा का जो मामला है, कौन क्या लड़ेंगे, वो हमको लगता है पहले से फिक्स है। हो सकता है कहीं एक सीट पर हो सकता है, लेकिन नंबरिंग में हमको लगता है कहीं प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नंबर तो क्लियर हो गया है सर, तो क्या कल घोषणा होगा, सिर्फ नंबर की घोषणा होगी या फिर सीट की भी आप लोग घोषणा करेंगे? नहीं, हमको लगता है जो पार्टी को हम लोग सीट बता देंगे, आपको नंबर बता देंगे। मतलब सीटों की संख्या अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सीटों की संख्या ही बताएंगे, कौन कौन सी सीट? ये अभी तक डाउटफुल है,
या आपको पूरा बताया जाए, क्योंकि बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, तो इसमें हो सकता है सीट आपको नंबर बता दिया जाए या जो फर्स्ट सेकंड फेज में सीट हो वो भी बता दिया जाए। लेकिन ये चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, एक लंबे इंतजार के बाद काफी खींचतान हुई है, कोई रूठा तो किसी को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई बार दिल्ली भ्रमण भी हो गया महागठबंधन के नेताओं का, आखिरकार आज वो तारीख आ गई जब महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड कर लिया गया है और इसका ऐलान आज होगा। देखिए बहुत लंबा समय लगा महागठबंधन को बनाने में, फिर भी उसके बावजूद जितनी पार्टियां थी, अभी कई सारी वामपंथी पार्टियां उसमें नहीं जुड़ सकी है। तो मुझे लगता है कि इतना लंबा समय लगने के बावजूद अभी तक सबकी इच्छाओं को पूरा उसमें नहीं किया जा सका है। आरएलएसपी भी ज्यादा सीट चाहती थी, हम पार्टी भी ज्यादा चाहती थी, ऐसे कई पार्टियां हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती थी वहां, और उनको नहीं मिला है, अंदर से वो नाराजगी है। तो जिनको गठबंधन महागठबंधन बनाने में इतना समय लगा है और चुनाव का वक्त हो गया है, दो फेज का, दूसरे फेज का चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है नामांकन का, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन यही फेल हो गया, सभी पार्टियां एकजुट नहीं हो सकी है, और मुझे नहीं लगता है कि एकजुट हो सकती है चुनाव मैदान में जाएंगे। हमारे साथ आपके सहयोगी नीरज जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता है, और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाई वीरेंद्र जी आपसे बात करना चाहेंगे, अभी आपने प्रेम रंजन पटेल जी को सुना, उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन तो फेल हो गया है और आज आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस करने वाले हैं। देखिए इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है, जैसे जैसे महागठबंधन का स्वरूप सामने दिखाई देने लगा है, ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है, डर हो गया है, और डर होने से तरह तरह का बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि महागठबंधन एकदम सहज रूप से समझौता कर चुका, ये अलग है कि घोषणाएं बाद में आज हो रही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि महागठबंधन एकजुट है, अटूट है, और महागठबंधन होगा। सर परसों ही आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था शाम तक अनाउंस हो जाएगा, फिर आपने होली मना ली, उसके बाद आज का दिन आ गया। आप कह रहे हैं कि पेट में दर्द एनडीए के नेताओं को हो रहा है, लेकिन आपके सहयोगियों को कितने दिल में दर्द हुआ है वो सबने देखा है। नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज जी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या आप लोगों के वाकई पेट में दर्द हो रहा है, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं? देखिए महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, सवाल एक ही है केवल कि क्या वामपंथी पार्टियां सीपीआई हो, माले हो, सीपीएम हो, क्या उनकी राजनीतिक भागीदारी महागठबंधन में नहीं है? अगर नहीं है तो क्या वो एनडीए के साथ खड़े हैं? आखिर वामपंथी पार्टियों का अपराध क्या है? वो भी अपने आप को मानता है कि एंटी बीजेपी फ्रंट में हम भी पार्टिसिपेंट है, तो उसकी भूमिका क्यों नहीं? सवाल तो ही खड़ा होगा ना कि भाई अगर आप महागठ ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारा जिसे एनडीए है तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, तो क्या महागठबंधन के सीट की जब घोषणा होगी तो इस बात की घोषणा होगी, तमाम राजनीतिक दल करेंगे कि बिहार का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? कोई ना कोई तो लीडर होगा ना बिहार में भी, लोकसभा चुनाव है, लेकिन जैसे हम लोगों ने तय किया कि नहीं हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या यह तय होगा कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा, बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में होगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा, मांझी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में होगा? तो नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व जी जवाब दीजिए, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, नेतृत्व कौन करेगा? भाई वीरेंद्र जी सुन रहे हैं आप? तो भाई वीरेंद्र जी से संपर्क टूट गया हमारा। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, इसको लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र ने आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए।
महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान हो जाएगा और साथ ही कल से प्रचार भी शुरू हो रहा है। राहुल गांधी जो महागठबंधन के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो आएंगे। हम इन सब पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं राजद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। सर, आज तो फाइनल आप लोग कर दे रहे हैं। जी जी, आज फाइनल हो जाएगा, 4 बजे घोषणा हो जाएगी। सारे घटक दल के नेता एक साथ उपस्थित रहेंगे, तेजस्वी जो है घोषित करेंगे। अच्छा, तेजस्वी घोषित करेंगे, यहाँ एक तरह से तेजस्वी लीडर हैं, एक बड़ा भाई की भूमिका में राजद है, तो ये क्या अभी बातचीत सब फाइनल हो गई कि कुछ बातचीत अभी चल रही है घटक दलों से? जहाँ तहाँ कहीं कहीं जरा सा ये नहीं ये कैंडिडेट रहे इसी का मामला है, वो सब बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों ने तय किया तो सब चीजें हो रही है? देखिए ना, हर मैंने बिल्कुल शत प्रतिशत जो है संतुष्ट किसी भी फैसले से नहीं हुआ जा सकता है। देखा जाता है कि हाँ भाई आप 90% संतुष्ट हैं, 85% संतुष्ट है तो माना जाता है कि आप 100% संतुष्ट हैं, वही मान के चलना पड़ेगा। एक सवाल उठने लगा है अभी से कि जो आपका रालोसपा है वो लगातार टूट रही, उसके बाद भी आप लोगों ने काफी सीटें उसको दे दी। अब इन लोगों ने फैसला किया, हम नहीं जानते हैं फैसला का आधार क्या है, बातचीत में चूंकि हम शामिल नहीं थे। और तो एक्स कांग्रेसी और मौजूदा दौर में जेडीयू नेता अशोक चौधरी का क्या कहना है महागठबंधन के मौजूदा दौर को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान होने जा रहा है, 4 बजे के शाम की समय तय है, और क्या सोचते हैं इस पे एनडीए के नेता? हम बात करते हैं जो जदयू के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, आज अंततः वो लोग ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान तो होना ही था, लेकिन एक जो स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है ना, एक आपसी प्रेम सद्भाव के साथ एक गठबंधन होता है, एक साथ बैठते हैं, अलायंस करते हैं, लेकिन इतना मतलब आपसी खींचतान तो उस गठबंधन जमीन पे क्या जाएगा? अब कुछ ठीक ठाक नहीं है महागठबंधन। अच्छा, मेरा कहने का मतलब एक मांग और वहां उठने लगी कि जिस तरह से रालोसपा आप लोगों से अलग हुई, फिर वहां गई, वहां इंटरनल जो होने लगे कि उनको बहुत सीटें दे दी गई। अब सीटें दिए नहीं दिए वो तो लोगों का है आपस में जो, लेकिन है कि कांग्रेस को कितने सीटें मिले ये प्रश्न है ना, क्या कांग्रेस पिछली बार से बढ़ा या घटा? राजद के नेता हैं, उनका ये कहना है कि एनडीए में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, वो दूसरे दलों से उम्मीदवार खोज रहे हैं। अब दूसरे दलों से उम्मीदवार खोज रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम किसको उम्मीदवार खोजें तो जनता बताएगी ना, एंड ऑफ द डे जनता बताएगी कि जिसका सिलेक्शन हमने किया वो सही है या गलत है। हमने तो सब अपने हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाहर का कहाँ कोई, आपके साथ ना है, आप यहाँ से वहां से ला करके आप उम्मीदवार दे रहे हैं। अच्छा, एक और उनका सवाल है कि जिस तरह से हमारा गठबंधन है जनता की उम्मीदों का गठबंधन है, और जो एनडीए गठबंधन है वो नेताओं का गठबंधन है, तो पीछे चल जाएगा 23 मई को, चुनाव खत्म होने दीजिए। जनता का गठबंधन कौन है और नेताओं का गठबंधन कौन है, ये तो चुनाव के बाद ही नहीं, मेरे बोलने और उनके बोलने। तो शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए पटना से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र, साफ तौर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, उनका साफ कहना है कि महागठबंधन कुछ भी कर ले बिहार एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहना है, और जिस तरह से देरी हुई है, कहें कि अभी भी आज ऐलान होना है, 4 बजे ऐलान होना है, 10 बज चुका है, लेकिन अभी तक चीजें फाइनल नहीं हो पाए, तो इसको लेकर जो एक एनडीए के नेता हैं उनको वो लगातार कह रहे हैं कि अभी जब चीजें तय ही नहीं हो पाए तो जमीन पे क्या जाएगा, धरातल पे क्या बातें होंगी। और ये बात कहीं ना कहीं जो कहें कि निजी बातचीत में जो महागठबंधन के नेता वो भी मान रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से चीजें बन रही हैं, बहुत आसान चीजें नहीं है। लगातार उन लोगों का कहना कि जिस तरह से हम लोगों का पेच फंसा है, जिस तरह से हम लोग एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो एक समस्या जो महागठबंधन में लगातार बनी हुई है। और साथ ही जो रैली है कल राहुल गांधी के सेकंड फेज में, पूर्णिया का चुनाव होना है, वहां पर जेडीयू उम्मीदवार ने अपना पर्चा भर दिया है, और वहां से एक तरह से कहा जाए कांग्रेस के उम्मीदवार तय हैं, पप्पू सिंह जो अभी कल ही परसों कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो लड़ेंगे। शैलेंद्र, बैठे बिठाए महागठबंधन के खेमे ने ये मौका एनडीए को दिया है निशाना साधने का, आरोप लगाने का और इस खींचतान का। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है पटना से, शरद यादव आज पहुंच रहे हैं पटना, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से 11:30 बजे पटना पहुंचेंगे शरद यादव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आज ऐलान होना है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शरद यादव दिल्ली से आज पटना पहुंच रहे हैं।
तो बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक ना तो एनडीए की तरफ से ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कई मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है, इससे विधानसभा की तस्वीर बदल सकती है। जो विरोधी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं वह भी चाहते हैं कि नीतीश जी की सरकार बनी रहे, एनडीए की सरकार बिहार में बनी रहे, तो इसका कोई खतरा है? बहुमत हमारे साथ है, स्पष्ट बहुमत। विधानसभा के सदस्य चाहे किसी भी दल के हों, अगर वो लोकसभा के उम्मीदवार बनते हैं और वो सफल होते हैं तो स्वाभाविक है इक्वेशन चेंज होगा, विधानसभा की तस्वीर बदलेगी। मैं समझता हूँ नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और फिर विधानसभा के कई उपचुनाव होंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो खबरें आ रही हैं कोई भी राजनीतिक दल कोई इक्का दुक्का को छोड़ के कोई विधायकों को शायद उम्मीदवार नहीं बना रहे। चर्चा ये भी कि इस बार लोग